एक 15 साल की लड़की अचानक घर से गायब हो जाती है। उसके माँ बाप उसे हर जगह खोजते हैं पर वो नहीं मिलती। तब अचानक उन्हें किसी से मालूम होता है कि एक 15 साल की लड़की उस गांव के पास स्थित एक घनघोर जंगल में चुपचाप बैठी है। उस खोए हुए लड़की के माँ बाप उस जंगल में पहुँचते हैं। वे जैसे ही उस लड़की को देखते हैं तो सबकी आंखें फटी की फटी रह जाती है, क्योंकि उनके सामने उनकी खोई हुई 15 साल की बच्ची एक बरगद के पेड़ के नीचे आंखें बंद किए हुए बैठी थी। वे जैसे ही अपनी लड़की के पास पहुंचते हैं तो देखते हैं कि सामने एक मिट्टी का शिवलिंग बना हुआ था और उस पर फूल चढ़े हुए थे। ये नज़ारा देखते ही सबके समझ में आ गया था कि आखिर ये मामला है क्या। दोस्तों, ये घटना सच्ची है और आज भी आप इस लड़की को देख सकते हैं जो निरंतर पिछले 12 सालों से तपस्या में लीन है। तो चलिए इस पूरी घटना को थोड़ा विस्तार से जान लेते हैं। छत्तीसगढ़ के बिलासपुर के बेटरी गांव में मस्तूरी तहसील में लीलागढ़ नदी के किनारे एक बहुत ही खूबसूरत सा गांव है। इस गांव में एक नाम बहुत ही प्रसिद्ध है और वो है भागमती देवी। भागमती देवी पिछले 12 सालों से तपस्या में लीन है। कहा जाता है वे 4 जनवरी 2010 से तपस्या में बैठी हुई है। इनके पिता का नाम है राम सजीवन कश्यप और माता का नाम है गंगोत्री जी। इनके माता पिता के अनुसार भागमती देवी एक अद्भुत बालिका और बचपन से ही शांत स्वभाव और भक्ति आराध्य से जुड़ी रहने वाली बालिका थी। जब से वे तपस्या में बैठी है तब महज उनकी उम्र 15 साल की थी। आज तपस्या करते हुए उनकी उम्र 27 साल की हो गई है। कहते हैं कि पिछले 15 साल की उम्र में अचानक घर छोड़कर वो लीलागढ़ नदी के किनारे घनघोर जंगल में आकर तपस्या करने लगी। माता पिता को चिंता होने लगी कि आखिर उनकी इतनी कम उम्र की बच्ची कहाँ गायब हो गई। उनके गांव में एक आदमी आया और उसने भागमती के माता पिता से कहा कि तुम्हारी बेटी एक बरगद के पेड़ के नीचे चुपचाप बैठी है। घर वाले भागे भागे भागमती के पास पहुंचे और उसे समझाने की बहुत कोशिश की, परंतु वो तप में बैठ चुकी थी और भगवान की आराधना में लीन हो चुकी थी। कुछ देर बाद भागमती ने कहा कि उसकी तपस्या कोई भंग ना करे। ये सब देखकर लोगों ने उस जगह पर एक छोटे से मंदिर का निर्माण करवा दिया। उनके माता पिता के अनुसार भागमती देवी रोज सुबह 4 बजे उठकर तपस्या में लीन हो जाती है और रात के 12 बजे तपो साधना से उठती है। उनके भोजन में सामान्य फल और दूध होता है। भागमती देवी के घर वालों का कहना है कि भागमती देवी बचपन से ही भक्तिनी थी। भगवान की लीला में लगे रहना उन्हें काफ़ी पसंद था। लोगों का कहना है कि बचपन से ही भागमती देवी के ऊपर देवी देवताओं का वास था। उनके माता पिता का कहना है कि भागमती देवी किसी से भी बातचीत नहीं करती। वे सिर्फ अपने माता पिता से रात में तपोसाधना से उठने के बाद ही बात करती है। भागमती देवी ने अपने तपोस्थान पर एक छोटे से शिवलिंग का हाथों से मिट्टी से निर्माण भी किया है, जिसका वो पूजन भी करती है। दोस्तों, हमने किस्से, कहानियों, किताबों और ग्रंथों के माध्यम से साधु संन्यासियों को सालों सालों तक तपस्या में लीन रहने की बातें सुनी हैं। लेकिन कलयुग में ऐसे बहुत कम संत हैं जो मानव समाज के बीच रहकर ऐसी तपस्या और साधनाएं करते हैं। ऐसे में अगर इन संन्यासियों का जीते जी दर्शन हो जाए तो जीवन धन्य हो जाता है। वैसे तो भागमती देवी के बारे में हमारे भारत के लोग बहुत कम ही जानते हैं। ऐसे में अगर आप भी इनके दर्शन करना चाहते हैं तो यहाँ पर ज़रूर आइएगा।